छतरपुर से आए दिन मारपीट और गुंडागर्दी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामले में पुरानी रंजिश के चलते युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने 7 लोगों पर आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के गहबरा गांव में पुरानी रंजिश पर एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात को तब अंजाम दिया गया जब युवक स्कॉर्पियो से अपने भाई और एक साथी के साथ जा रहा था। तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने तीनों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से 2 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने विजय शुक्ला को मारकर लहूलुहान कर दिया था। विजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली। मृतक के परिजनों ने 7 लोगों पर नामजद मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना गाड़ी में स्कॉर्पियो में हम और लाला दोनों लोग आ रहे थे, साथ में हमारा भाई शेर था। तो जैसे ये लोग विरोधी 7 लोग आए, बंदूक से कट्टा लाठी लिए, तो हम लोग उनकी गाड़ी से भागे घर की ओर। तो मेरे यहाँ एक लाठी यहाँ मारी उनने, मैं जान बचा के भागा, उसको तुरंत डाल दिया। मारते मारते लिहाज लिए जा रहे थे, जब हम लोग फिर लौटे पुनः, तब वो लोग छोड़ के लिहाज भागे। ग्वारियर थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है, जिसमें कि मारपीट की गई स्कॉर्पियो रोक करके। 7 लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल उसमें कायमी की गई है। उसमें जो पीड़ित था, उसकी मृत्यु होने के कारण उसमें 302 धारा का इजाफा किया है और सभी आरोपियों की तलाश जारी है। हम शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।